नमस्कार, खबर ओडिशा को स्वागत करछु मुस्मिता। प्रथमे देखनबा हेडलाइंस। पारिवारिक कलहरु विभत्स कांड, कंधमाल बालीखोडारे भाईर गुळीमाडीर भाईर मृत्यु, पुलिसर तदंत जारी। कटक टांगीरे चांचल्य, 16 नंबर जातीय राजपथरु चोरा चालाण बेले 44 जीवंत गोरु उद्धार, ड्राइवर सह हेल्पर अटक। कटक आठगड़े सड़क दुर्घटना, बाइक को धक्का देला ट्रक, घटनास्थल में आरोपी मृत्यु। सेपटे कटक आठगड़ रेंज में हाथी आतंक, रास्ता पार जो 55 नंबर जातीय राजपथ अवरोध, गौल जंगल मुहां होता सूचना। रायगड़ा पद्मपुर में अभावन घटना, बात्या पेथाई प्रभाव में 100 ऊर्ध गाई गोर मृत्यु, स्थिति परखिले जिला प्रशासनिक अधिकारी। एवं विपद संकुल अवस्था ओमपी मार्केट कॉम्प्लेक्स बारंबार अभियोग पर भी मिलू केवल निराशा, कटक देखा यह रिपोर्ट। वर्तमान देखिबा संपूर्ण खबर। कंधमाल जिला बालीकुड़ा थाना परमपंगा पंचायत कामेरी गांव में अभावन घटना, पारिवारिक कलहरु विभत्स कांड, जड़े संपर्क भाईर गुड़े आउ जड़े भाईर मृत्यु हो, मृतक जनक बालीकुड़ा थाना कामेरी गांव राम प्राधानी जमापड़। सूचना अनुसार दुई परिवार मध्य तीन रु चार वर्ष धरी जमीपाड़ी बद को केन्द्रक गंडगोल होता, तेरे गतका उभयों मध्य कौन कारण बचसा होता। एथरे उत्खित हो गोविंद दंडसेना निंद प्रधानी को माड़ मारी, एक बंधुक निंदी बड़ भाई राम को गुली करी हत्या करते। मृतकों भाई बालीकुड़ा उपखंड चिकित्सालय में चिकित्सित अच्छा। घटना को नहीं बालीकुड़ा पुलिस अधिक तदंत चल। वर्तमान देखा संपूर्ण खबर। कंधमाल जिला बालीकुड़ा थाना परमपंगा पंचायत कामेरी गांव में अभावन घटना, पारिवारिक कलहरु विभत्स कांड, जड़े संपर्क भाईर गुड़े आउ जड़े भाईर मृत्यु हो, मृतक जनक बालीकुड़ा थाना कामेरी गांव राम प्रधानी जमापड़। सूचना अनुसार दुई परिवार मध्य तीन रु चार वर्ष धरी जमीपाड़ी बद को केन्द्रक गंडगोल होता, तेरे गतका उभयों मध्य बचसा होता। एथरे उत्खित हो गोविंद दंडसेना निंद प्रधानी को माड़ मारी, एक बंधुक निंद बड़ भाई राम को गुली करी हत्या करते। मृतकों भाई बालीकुड़ा उपखंड चिकित्सालय में चिकित्सित अच्छा। घटना को नहीं बालीकुड़ा पुलिस अधिक तदंत चल। टांगी थाना सरधड़ा गाँ निकट में चोरा चालाण होता गोरु बोझे गाड़ी जबत। सूचना अनुसार सन्देह कर स्थानीय लोके एक कंटेनर को अटकईते, गाड़ीटे गोरु बोझे होता देखी एने टांगी पुलिस को खबर दे। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंच गाड़ीटी को जबत करने, चौरालीस जीवंत गोरु और गोटे मृत गोरु को उद्धार करे। गाड़ी खोर्धा बेगुनिया कोलकाता जाता जमापड़ी, तेरे गाड़ी ड्राइवर और हेल्पर को अटक रखी पुलिस पचराउचरा कर। सड़क दुर्घटन जड़े बाइक आरोही मृत्यु हो, मृतकों नाम मनोरंजन सेठी होता बेले घर कटक जिला आठगड़ थाना राधा गोविंदपुर गांव बोली जमापड़। सूचना अनुसार से बाइक जोगे घर को फेरुवा समय एक ट्रक धक्का देता, फल घटनास्थल में मृत्यु होता। आठगड़ पुलिस घटनास्थल में पहुंच ट्रक को जबत करने मृतदेह को व्यवच्छेद पठाई। आठगड़ बनखंड खुंटुड़ी रेंज ओरंता फॉरेस्ट सेक्शन में 15 हाथी सुनिया मुहा जंगल बाहरी। हाथीपाल 55 नंबर जातीय राजपथ पार हो बौल संरक्षित जंगल में अच्छा। हाथीपाल आसीथिबा खबर पाई वन विभाग कर्मचारी और हाथी जगुआली पहुंच उभय पार्श्वर आसुवा गाड़ी को अटकई हाथीपाल को जंगल मध्य छाड़ फल 55 नंबर जातीय राजपथ एक प्रकार जातायात ठप हो। हाथीर गतिपथ को नजर रखा सह कौन प्रकार अघटन जिभि न घटे से वन विभाग सजग हो रही जमापड़। तेरे हाथीपल एवं बौल जंगल में सुरक्षित जमापड़। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बदली प्रतिवाद धारणा, मयूरभंज जिला कप्तिपदा ब्लॉक अंचल शिक्षा अधिकारी विनोद सिंह को स्थानीय किसी मुस्लिम नेता और शिक्षकों द्वारा बदली कर।
जहाँ विरोध कर कप्तिपदा मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी पक्ष ब्लक सम्मुखें धारणा दिजा सह बदली को प्रतवाद तेरे नौ दफा दाबी नहीं धारणा दिया दाबी पूरण न आगामी दिन में राजरास्ता को ओह्ल कमिटी चेतावनी दुई मास व्यवधान में दुईट बात्या प्रथमे तितली आउ एबे पेथाई जहार प्रभाव में रायगड़ा जिले में हेक्टर हेक्टर फसल नष्ट हो सेपटे चाषीर मेरुदंड भांगी जाता बेले पशु मान प्रभाव देखा मिली कोहला पवन जो अंचल शहे ऊर्ध गाईगोर मृत्यु तितली क्षतिग्रस्त परिवार एपर्यंत सरकारी सहायता पाइन बेले गोरुगाई मड़क बोझ उपर नलिता बिड़ा सदृश पलटि यह अंचल शोकर छाय खेली रायगड़ा पद्मपुर देखा इस संपर्कित रिपोर्ट रायगड़ा जिला पद्मपुर ब्लॉक रे पेथाई बात्या करिछि बेहाल दुई दिन लगाण वर्षा जो जनजीवन प्रभावित होता बेले पशु मानते यार प्रभाव बेसी देखा मिली कोहला पवन सांग को अंचल शहे ऊर्ध गाईगोर मृत्यु होफल गाईगोर मड़क देखा मिली गतकाली राति में मुजुकी पदर डेरींगा जीरा लिमा पदर आदि अंचल शताधिक गाईगोर खोला आकाश तले बंधा होते फल वर्षा और पवन जो सन्नीपात होता डाक्तर कहते अनेक गाईगोर एवं चेताशून्य पड़ रही घटनास्थल को समस्त राजस्व निरीक्षक तहसिलदार एवं भेटनारी विभाग जाई स्थिति परखिबा सह क्षतिपूरण प्रदान निमंते रिपोर्ट प्रस्तुत करिछन्ते घटना परे स्थानीय अंचल रे एक रकमर शोकर छाया खेली जाइछि जो साइक्लोन चालछि आम सब पछी खंडे गाई मरचंति आओ सब कोला होइ जाइछि ठंडा रे सब मरि पड़चंति बाहर भी मरि पड़चंति बाहर को सब आम गाई चरैबा नैथिलु बाहर जगार भी गाई मरी पड़ती गाई बाछुरी गुहाल ना सर आमको बाहर बांधा पड़ी गुहा कि ना गुहाल थे लिखी आम ग्राम सभा आम कि गुहाल किन आर्तमान बाहर बांधा पड़ी को गच मूल को बाहर को जंगल बांधा पड़ी पाखे चारोटी डेथ हो बैसटा अफेक्टेड थी चिकित्सा कराइम डेरींगा भिलेज डेरींगा पंचायत अंडर डेरींगा भिलेज सेठ आम डेथ हो कोड़ेटा तो मध्य अठरटी बाछुरी आ दुईट गाई डेथ हो जो डेथ होटा आम रिपोर्ट अलरेडी कनसर्न आर आई मैंने रिपोर्ट कर देखिए तहलदार सर को रिपोर्ट करते प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जस्ट दिखाई आज कि फाइनाल रिपोर्ट आम पठेबू ये चिकित्सा कराई बर्तमान पर्यटन सेपटे ओडिशार राइस बाउल कहुवा पद्मपुर अंचल धान चाषी पेथाई बात्यार प्रभाव में हताश हो बात्या पूर्व कौन सतर्क सूचना मिल विशेष क्षतिर सम्मुखीन होशी किसी चाषी धान खड़े रही भिजि बेले किसी चाषी धान बिल पड़ रही खाली से नुहे पूर्व आसी तितली प्रभाव चाषी मुंडर जा बेले एवं पेथाईर भय चाषी को दोहल एत बड़ बड़ विपद आसी सरकार चाषी मान सतर्क कर असंतोष प्रकाश कर बर्षा जारी रही आज तितली टू आमको किसी क्षय क्षति मिलना एवं भी वर्षा जारी रही धान उपर पा चलुच्ची सरकार आम को कौन प्रशासन नहीं ना एवं क्षतिपूरण जहा कि हम ताशिक आउ देव सरकार तरफ रू हम धान रोग होता तापर झड़ जाऊ धान जग आई आम सरकार व्यवस्था किसी पाउन तितली नष्ट किसी आंद्राई फांद्रा जहाँ मिलती आम कि मिलूनी सामुद्रिक झड़ तितली महातांडव पर वर्तमान पेथेई साइक्लोन चाषी एवं गोरु चोराली मेरुदंड को भांगी देती तेरे चाषी एवं गोरु चोराली परिस्थिति रे ओडिशार राइस बॉल कहुवा रायगड़ा जिला गुणुपुर पद्मपुर गुडारी एवं रामनागुड़ा आदि अंचल क्षतिग्रस्त चाषी एवं गोरु चोराली कि प्रोत्साहन पाइबे प्रशासन ता देखा बाकी रहा रायगड़ा जिला गुणुपुर जयदेव पाणिग्राह कामयाब टीवी रायगड़ा जिले में राज्य सरकार पक्षर पिठा कार्यक्रम अनुष्ठित हो पंचायत तो पिछा सरकार 25,000 टंका हिसाब से मोट 45,50,000 टंका खर्च करुवा जमापड़ी एक कार्यक्रम में अंचल नेता मंत्री माने जोग देथिबा देखिबा को मिलिछि सेपटे पेथाई रे गाई गोरु को मड़क पड़ी बेले सरकार को पिठा कार्यक्रम जिला अधिकारी उपस्थिति को नहीं
साधारण असंतोष देखा देछि। खबर ओडिसा रे समय हेछि एक ब्रेक रो, ब्रेक पर देखिबा आउ किछि खबर। ब्रेक परे स्वागत। कटक महानगर निगम अधीन ओमपी मार्केट कम्प्लेक्स अवस्था शोचनीय हो पड़ी। क्योंकि दोकान घर छात भांगी जा तो क्यों शौचालय अवस्था न कहवा भल जहाँफल ना नसुविधार सम्मुखीन होती व्यवसायी मैंने बारंबार अभोग पर मराम नाक जन असंतोष देखा मिली। कटकु देखा रिपोर्ट। कटक महानगर निगम अधीन मार्केट कम्प्लेक्स टी 28 वर्ष तले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राष्ट्रमंत्री मुस्ताफिजी अहमद को द्वारा 1990 मसीहा अगस्त 31 तारीख रे उद्घाटन होइतिला। एहि मार्केट कम्प्लेक्स रे 168 टी दुकान गृह थिबा बेले व्यवसाय पई एहा होउछि उपयुक्त स्थान। किंतु दुखर विषय सेहि दिन ठारु आज पर्यंत कोनोसी प्रशासनिक अधिकारी माने तार मरामति कार्य करू नाहंती, जहाँ फल असुविधार सम्मुखीन होती व्यवसायी माने। 25 वर्ष भितर सीएमसी कौन सी प्रकार मेंटेनेंस है, शौचालय टी ना मैंने आप लाट्रीन ना कि बाथरूम ना, समस्त जितने ये 168 दुकान अच्छी ये समस्त लोक जाती से ब्रिज जो ओवरब्रिज या सैड से ओवरब्रिज सैड की परिसर करके जाती है, सामने कलेज बहुत असुविधा अच्छी, बहुत खराब आज्ञा। ये आप देखिपी कौ भाई अवस्था है, पिला ये गोटे कलेज अच्छे जेके वि कलेजा से पाने भी जावास कर किसी कम रोचे से भी मुझे थर से पड़ी से निजो रक्षा करके दौड़ती यू तो टी रिपेयर हो गले भल हाँ 20 वर्ष है, 20 कि 25 वर्ष है बिल्डिंगटा। केवल से नुहे यह मार्केट कम्प्लेक्स निर्भर करुवा साधारण लोकों पर शौचालय ना बेले मार्केट कम्प्लेक्स छात दुई थर भांगा घटना साधारण भय सृष्टि करने बारंबार अभोग पर कहीं मार्केट कम्प्लेक्स काम होने प्रश्न या कवि वीरकिशोर महाविद्यालय ताबे बहु संख्य छात्र छात्री निर्भर करकेट उप तेबे बड़ा धरणर विपद आसीबा पूर्वरु मार्केट कम्प्लेक्स रो काम शीघ्र आरंभ करबा पई दाबी करिसेंती कॉलेज छात्र छात्री। जेतु मो नॉलेज को आसीलानी मु हमरो कमिश्नर होंदु कि से जो जो ऑफिसर दायित्व रहछन्दे एडिशनल कमिश्नर होंदु तांको तुरंत फील्ड को पठेकि तार कोन दरकार होछि रिनोवेशन बा शौचालय बि टॉयलेट जहाँ दरकार होछि तुरंत ताकु आमे इंजीनियर सेक्शन द्वारा आउ काउंसिल ले प्रपोजल देके निश्चय ताकु रिनोवेशन करिया पय चेष्टा कर। कटक महानगर निगम अधीन रे थिबा ओमपी रो एई बहु पुरातन मार्केट कॉम्प्लेक्स रो अवस्था एबे न कहिले भल, बारंबार प्रतिश्रुति पर मध्य काहेकि कार्य हेउ नाइ ता एबे साधारण रे प्रश्न उठुथिबा बेले खूब शीघ्र काम होवार प्रतिश्रुति रखिछन्ति कटक मेयर। कटक रु बलराम नायक रिपोर्ट कामयाब टीवी। रायगड़ा जिला पद्मपुर ब्लॉक पेरुपांग ग्रामर मिता सबरों को मिलला सरकारी सहायता। रायगड़ा जिलापाल गुहा पूनम तापस कुमार मिता को विजु पक्का घर योजना पर 130,000 और पायखाना निर्माण पर 12,000 प्रदान कर आत्मनिर्भरशील होगापी 20,000 टकर बैंक ऋण प्रदान कर सूचना अनुसार 12 वर्ष धरी 15 किलोर वर्धित हाथ को धरी मिता जंत्रणार शिकार होते गणमाध्यम प्रभाव में जिला प्रशासन सहायत कटक बड़ डाक्तखाना को नहीं हाथ अस्त्रोपचार कर यासो आउ किछि दिन परे तांको कृत्रिम हाथ मध्य सरकार जोगाई देबे। तालचेर खड़ी खादान क्षतिग्रस्त प्रजा संघर दुई दफा दाबी ने विक्षोभ प्रदर्शन एने संघर सभापति और कर्मकर्ता माने ट्रेन चलाचल को बंद करिछन्ती। अंचलर 90% बेकारी युवकों को चाकरी जोगाई देबा पई राज्य सरकार प्रतिश्रुति देथिले मात्र एपर्यंत एहा कार्यकारी होई पारि नाही। यार प्रतिवाद रे संघ तरफ दुई दफा दाबी नहीं विक्षोभ प्रदर्शन करा जाई छी। आगामी दिन में सरकार यार समाधान न कले बड़ धरण आंदोलन करा जीव बोली संघ चेतावनी दे छी। कलाहांडी जिले चाषी को उपरे दाउसाजी प्रकृति लघुचाप जनित बात्या पेथाई फसल उजुड़ाई देछि। केउठी चाषी धान काटि नाही तो केउठी कोटा धान उपरे पानी फासुछि तो आउ केउठी भिजा धान को मिलर्स माने नेउ नथिबा अभिजोग होईछि।
ଅଧିନିଆ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ କିଭଳି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବାତ୍ୟା ପାଥେଇର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଏମ୍ ରାମପୁରଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 58 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ଧର୍ମଗଡ଼, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ଭବାନୀପାଟନା, ନର୍ଲା, କେସିଙ୍ଗାରେ 30+ mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଧାନକୁ ଅମଳ କରି ବର୍ଷକର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଆଶା ରଖିଥିଲା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅମଳ ବେଳକୁ ଦାଉସା ଜିଲ୍ଲା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଲାନି ବିଲରୁ ଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦିନ ଓ ରାତି ତମାମ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ଏବେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସିଛି। ଚାଷୀ ଏବେ କିଭଳି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମର ଧାନ ତ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଡୁଲି କରିଛୁ, ଏଇଟା ସବୁ କୁଇ ବିଲି ଗଲା, ଏଇଟା କାଟିକରି ପେଟା ସବୁ ନିତରି ଗଲା, ଏଇଟା କେନ୍ତା କର୍ମୁ? କୁଆ ବିଲା ଟିକେ ମିଲୁ କେନ୍ତା ଗଲା ସୁବିଧା ହଉ? ଧାନ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଯେନ୍ତା ପାଣି ଜମା ହେଇକରି କୁହି ଗଲା, ବିଲି ଗଲା, ତ ଆମକେ ଆମର ଲାଗି କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ମିଲା ଯାଉ, ନହେଲେ ମଣ୍ଡିକେ ନେଲେ ବି ଧାନ କିଣତ ନାହିଁ ତ ରଖତ ନାହିଁ, କାଣା ସୁବିଧା ଆମର ଲାଗି କରାଯିବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆଗେ ଆମକେ ମିଲା ଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ? ସେପଟେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲରୁ କଟା ହୋଇଥିବା ଧାନ ଆଣିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନକୁ ବାତ୍ୟା କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ମିଳିନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରମିକ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଥିବା ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅମଳ କରିପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଖଳାରେ ଥିବା ଧାନ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ନିଜେ ସବୁଆଡ଼େ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି, ସବୁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏନ୍ସିଓର କରିଦେଇଛି ଯେ ସେଠି ଧାନ ସବୁ ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମେ PSC ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ବି କହିଦେଇଛୁ, RMC ବାଲାଙ୍କୁ ବି ସଜାଗ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ସବୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ସବୁ ଉଠିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମଣ୍ଡିରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଶେଷ ହେଇନି, ଯେହେତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଧାନ ଆମର ଉଠିଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଧାନ ଭିଜିଯାଇଛି, ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଧାନ ଉଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛି, କିଛି ଚାଷୀ ଆସିକି ପର୍ସନାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିନେଉଛୁ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗଦୀଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଖୋଲିଲା ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମୃତପୁର ଓ ପାଳିଆବିନ୍ଧା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ମଣ୍ଡି ଜରିଆରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଋଣ ଇଏ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ନେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇ ଯେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆଉ ଚାଷୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଆମ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ସବୁକିଛି କାମର ଲାଗିବ, ହେଲେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରି ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ। ଆମର ସରକାର ଆମକୁ 5,000 quintal ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁମତି, ଆମର ହନୁମାନ ମିଲ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଧାନ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଆର୍ଥର ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ କେତେ, 7,000 quintal ଧାନ ଆମେ ହଉଛି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଓ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଛାତ୍ର ସନ୍ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 10 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନଗରସ୍ତରୀୟ କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣବ ମଙ୍ଗରାଜ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦେଶର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ତାଳଚେର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣିରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଏହି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନଶୁଣାଣି କରି 224 ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଶିବିରରେ ରାଜସ୍ୱ, ଶିକ୍ଷା, ଭତ୍ତା, ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆ ରାଜବାଟି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ନବମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡ କଲରବେଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନୟାଗଡ଼ ଟାଇକୋଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଏକାଡେମୀ ଯଥା ନୟାଗଡ଼ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଏକାଡେମୀ, ନୟାଗଡ଼ ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼କା ଏକାଡେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 100+ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଲ୍ଟ ଯଥା ୟେଲୋ, ଗ୍ରୀନ, ବ୍ଲୁ, ରେଡ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଆଦି ବେଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଦୀପ୍ତିପୁର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଅତିଥିମାନେ ଭଲିବଲ୍ ପ୍ରତି ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଖେଳପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ, କନ୍ଧମାଳ ବାଲିକୁଡ଼ାରେ ଭାଇର ଗୁଳିମାଡ଼ିର ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। କଟକ ଟାଙ୍ଗୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ 44 ଜୀବନ୍ତ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଡ୍ରାଇଭର ସହ ହେଲ୍ପର ଅଟକ। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସେପଟେ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ରାସ୍ତା ପାର ଯୋଗୁଁ 55 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ, ବଉଳ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ରାୟଗଡ଼ା ପଦ୍ମପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ବାତ୍ୟା ପେଥାଇ ପ୍ରଭାବରେ 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଓମ୍ପି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମିଳୁଛି କେବଳ ନିରାଶା, କଟକରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.kamaptv.in। ନମସ୍କାର।